hello everyone welcome to education at your doorstep this is charul and we are going to start the sixth lecture of pollution and in this lecture we are going to talk about the introduction to the water pollution but before that please subscribe to my channel and do hit the like button so guys in the previous lectures we have already discussed about the air pollution सो so गाइस अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो so गाइस अभी बात करते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है इसके बारे में वैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी लेकिन एक बार फिर से इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so गाइस सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किसने किया था तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड द क्लाइमेट चेंज ने उसके बाद किस कब लॉन्च किया गया था 2017 में क्यों लॉन्च किया गया था क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा था उसके बाद क्या ये कौन से प्लान के अंडर आता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर आता है हमने देखा था कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके अंडर बेसिकली नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉन अटेनमेंट सिटी है वो कौन सी है दिल्ली क्योंकि कहीं आपको पता होगा कि दिल्ली और एनसीआर के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है क्योंकि जो दिल्ली है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली और एन के एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है इसीलिए दिल्ली और एन के एरिया के लिए क्या लॉन्च किया गया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसमें बेसिकली चार तरह की ग्रेडिंग की जाती है कि बेसिकली वहाँ पर पोल्यूशन कैसा है पहली ग्रेडिंग होती है जिसमें उसे बोला जाता है मॉडरेट उसके बाद पुअर वेरी पुअर एंड उसके बाद आ जाती है एमरजेंसी मतलब अगर मॉडरेट है तो आप कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही ज़्यादा माइनर से स्टेप्स उठाए जाते हैं सो देट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके लेकिन अगर वहाँ पर पुअर या फिर वेरी पुअर एयर क्वालिटी हो जाती है तो इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि कुछ वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं जैसे कि आसपास के एरियाज़ में अगर स्टबल बर्निंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं तो उन्हें बेसिकली रिड्यूस कर दिया जाता है लेकिन आपको पता होगा कि दिल्ली के एरिया में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एमरजेंसी लग जाती है अक्टूबर और नवम्बर के मंथ में क्योंकि उस टाइम एक तो स्टबल बर्निंग होती है ऊपर से जो विंड है वो रुक जाती है जिसकी वजह से जो एयर सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाती और इसकी वजह से क्या होता है कि पोल्यूटेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर के एरिया में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है सो so गईज इसकी वजह से होता क्या है एक तो लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है और गईस जो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे या फिर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता है बाहर निकलने से एंड इवन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए जाते हैं सो दैट पल्यूशन को रोका जा सके सो so कई जो क्रीडिट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसमें हम लोग करते क्या हैं पहले तो हम लोग पल्यूशन होने नहीं देते अगर पल्यूशन हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी हमें पता है कि दहली के एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से पल्यूट तो रिलीज़ होंगे लेकिन उनकी क्वान्टिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है सो दैट जो हमारे नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको अच्छे से अचीव किया जा सके लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स आ चुके हैं एमरजेंसी लग चुकी है तो उस टाइम पर गाइस बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं सो तो दैट एयर पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर दिया जाए सो तो गाइस अभी हमारा एयर पोल्यूशन अच्छे से ख़त्म हो चुका है गाइस प्लीज़ आप एक दो बार इसको रिपीट करके ज़रूर देखिए सो तो दैट तो आपको अच्छे से समझ आ जाए सो तो गाइस अभी बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है सो so गाइज़ हमने देखा था कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में कोई भी ऐसा कॉन्टेमिनेट ऐड हो जाता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर या फिर एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है तो उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन लेकिन गाइज अगर ऐसा हो कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें कुछ पोल्यूटेंट्स आ जाएं, कंटेमिनट्स आ जाएं, जिसकी वजह से जो हमारी वाटर बॉडीज़ है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए मतलब अभी जो वो पानी है वो बेसिकली हम लोग नहीं पी सकते क्योंकि अगर हम लोग वो पानी को कंज्यूम कर लेंगे तो इसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं वाटर पोल्यूशन सो गाइस किस तरह के पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे वाटर में तो गाइस पहली चीज़ तो ये है कि ऑर्गेनिक हो सकता है मतलब जो कि प्लांट्स वगैरह से मिलता है दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो सकता है ग्लास हो सकता है जो कि बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट नहीं है उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं मतलब जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट होता है उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका हो जिसकी वजह से क्या होगा गाइस डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाएगी जो बी ओडी है सी ओ डी है उसकी वैल्यू इनक्रीज हो जाएगी गाइस बी ओडी सी ओ डी और डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में हम लोग आगे चल कर पढ़ने वाले हैं उसके बाद गाइस ऐसा भी हो सकता है कि हमारे वाटर में कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटांस रिलीज हो गए हों जिसकी वजह से हमारे वाटर में बहुत ज़्यादा रेडियशंस रिलीज़ हो चुकी हों जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सो गाइस वाटर पोल्यूशन हो कहाँ कहाँ सकता है जैसे हमारे रिवर्स हैं लेक्स हैं पॉन्ड्स हैं या फिर सीज़ एंड ओशियंस हर कहीं पर वाटर पोल्यूशन हो सकता है सिर्फ इतना होना चाहिए कि वहाँ पर वाटर प्रेजेंट होना चाहिए तो वाटर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर सरफेस के नीचे सरफेस के ऊपर क्या है पॉन्ड्स हैं लेक्स हैं रिवर्स सीज ओशियंस हैं लेकिन ग्राउंड के नीचे क्या है अंडरग्राउंड वाटर मतलब जहाँ पर भी वाटर है अगर वहाँ पर कोई भी पल्यूटेंट आ गया है जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है डिग्रेड हो चुकी है तो गाइस इसे हम लोग क्या बोलेंगे वाटर पोल्यूशन हो चुका है मतलब क्या हुआ अभी हम लोग वो वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम लोग वो पानी कंज्यूम कर लेंगे तो इसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि मीना माटा डिसीज़ हो सकता है ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लैक फूट डिसीज़ इवन uh, गैस uh, और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि मिथामोग्लोबिनेबिया हो सकता है तो गैस होता क्या है कि चाहे एयर पोल्यूशन है चाहे वाटर पोल्यूशन है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है इसीलिए पहले तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं उसके बाद मेन चीज़ ये आती है कि इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं पोल्यूटन्स कौन कौन से हैं सो डेट हम लोग उन्हें कंट्रोल कर पाए एंड अगर पोल्यूशन हो चुका है तो हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं सो दैट वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर पाए सो इसे सबसे पहले देखते हैं पॉइंट सोर्सेज के बारे में सो इस पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है मतलब एक सिंगल पॉइंट मतलब जैसे कि आपकी वाटर बॉटल है वहाँ से पानी सिर्फ कहाँ से निकल सकता है जहाँ पर लिड लगा हुआ है ढक्कन लगा हुआ है जैसे ही आप उस ढक्कन को खोलेंगे पानी निकलना शुरू हो जाएगा एंड अगर आप उस पानी को रोकना चाहते हैं तो आप सिंपली उस ढक्कन को बंद कर देंगे सो so, इस ऐसा ही पॉइंट सोर्स के केस में होता है मतलब एक स्पेसिफिक जगह से जो पोल्यूटेंट्स है वो बेसिकली रिलीज़ हो रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड सा पॉइंट है मतलब क्या हुआ जैसे कि एक सिंगल पाइप आ रही है उसमें से ही पोल्यूटेंट्स जो है रिलीज हो रहे हैं सिंगल एरिया से पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट सोर्सेज सो गैज़ होता क्या है कि अगर हमें पता है कि एक जगह से ही पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ वहाँ पर ही स्टेप्स उठाएंगे मतलब जैसे अगर हमारी वाटर uh, बॉटल में से पानी गिर रहा है क्योंकि उसका ढक्कन खुला हुआ है तो हम लोग सिंपली ढक्कन को बंद कर देंगे और बेसिकली जो सोर्स है पानी का वो बंद हो जाएगा ऐसे ही गाइज अगर हमें पता चल जाए कि जो पोल्यूटेंट्स है वो बेसिकली हमारी वाटर बॉडीज़ में से कहाँ से आ रहे हैं क्या वो एक डेडिकेटेड पॉइंट है या फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स उठा सकते हैं लेकिन अगर पोल्यूटेंट्स एक सिंगल पॉइंट से रिलीज़ हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट सोर्स एंड गाइस आपको पता चल गया होगा कि पॉइंट सोर्स को मेंटेन करना कंट्रोल करना वहाँ से पोल्यूटेंट्स को प्रिवेंट करना उनकी जो बेसिकली uh, अमाउंट है उसे रिड्यूस करना ये सब कुछ करना बहुत ही आसान है सो गई सभी पॉइंट सोर्स वो कौन से सकते हैं जैसे कि कोई इंडस्ट्री लगी हुई है तो ऑब्वियसली जो भी वहाँ का सीवेज वाटर होगा वो एक पाइप से ही हमारी वाटर बॉडीज़ में आ रहा होगा तो अगर हम लोग वो जो सीवेज पाइप सीवेज पाइप है अगर हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर दें वहाँ से प्रिवेंट कर दें कि ज़्यादा पल्यूटन्स हमारी वाटर बॉडीज़ में रिलीज ना हो तो वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आसान है गाइस होता क्या है कि जो भी बेसिकली uh, लिक्विड होता है जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं से हमारी वाटर बॉडीज़ में ही आ जाता है जैसे कि जो हमारा कम्युनिटी वेस्ट होता है वो सीवेज के थ्रू हमारी जो लेक्स होते हैं पॉन्ड्स होते हैं उसमें रिलीज़ कर दिया जाता है वेस्ट वाटर या फिर गाइस होता क्या है कि उसे ट्रीट कर दिया जाता है तो जाना तो वो जो वेस्ट वाटर है वो वाटर बॉडीज़ में ही है सिर्फ फ़र्क इतना हो सकता है कि अगर हमने उस पानी को ट्रीट करके भेजा है तो इसकी वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे लेकिन अगर हमने एज इट इज़ उस सीवेज वाटर को किसी वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया है तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सो so, कई सबको क्या पता चला कि पॉइंट सोर्स में क्या होगा एक डेडिकेटेड पॉइंट से ही जो हमारे पल्यूटन्स हैं वो रिलीज हो रहे होंगे वाटर बॉडीज़ में जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा होगा तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट सोर्सेज एंड उस एक पॉइंट को बेसिकली कंट्रोल करना बहुत ही आसान है वहां से जो पल्यूटन्स रिलीज़ हो रही हैं उनका ध्यान रखना भी आसान है इसीलिए अगर कोई भी पॉइंट सोर्स है तो उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है एंड पॉइंट सोर्स की गाइस बेसिकली एग्जांपल कौन सी है हमारी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ भी बहुत तरह की हो सकती हैं जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो सकती है पेपर इंडस्ट्री हो, हो सकती है उसके बाद देखते हैं नॉन पॉइंट सोर्स के बारे में मतलब बेसिकली एक जगह से वो पल्यूटेंस नहीं आ रहे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से पल्यूटेंट्स आ रहे हैं मान लीजिए जो भी आपकी वाटर बॉटल थी आपके फ्रेंड ने क्या किया कि कंपस लेकर उस वाटर बॉटल में छोटे छोटे होल्स कर दिए मतलब क्या हुआ अभी उसमें से पानी बेसिकली रिलीज होने लगा उसमें से पानी बाहर गिरने लगा तो पहले जो पानी गिर रहा था वो सिर्फ ढक्कन वाली जगह से गिर रहा था लेकिन अभी तो वो आसपास से हर कहीं से निकल रहा है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना क्योंकि आप एक जगह पर हाथ रखकर उस पानी को नहीं रोक सकते तो ऐसा ही कुछ हमारे नॉन पॉइंट सोर्सेज में होता है मतलब क्या हुआ कि हमें नहीं पता कि वो पल्यूटन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो वो पल्यूटेंस हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो आकर हमारी वाटर बॉडीज़ में ऐड हो रही हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है मतलब क्या हुआ अगर एक डेडिकेटेड पॉइंट से सोर्सेज है मतलब पल्यूटन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट सोर्स लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से जो पल्यूटन्स है वो रिलीज़ हो रही हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्स मतलब इसका कोई भी पॉइंट नहीं है कोई भी डेडिकेटेड सा पॉइंट नहीं है जहाँ से जो पल्यूटन्स है वो रिलीज हो रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट जगह से पल्यूटन्स हमारी वाटर बॉडी में आ रही हैं जिसकी वजह से वाटर में पोल्यूशन हो रहा है सो so गई इस केस में क्या होगा जो पल्यूटन्स हैं उन्हें कंट्रोल करना वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जैसे कि वाटर बॉटल थी उसका सिर्फ ढक्कन लगाकर हम लोग पानी नहीं रोक सकते क्योंकि अभी उसमें होल्स हो चुके हैं तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है तो ऐसे ही नॉन पॉइंट सोर्सेज के केस में भी हो सकता है सो so गाइस अभी देखते हैं कि नॉन पॉइंट सोर्सेज़ हो कौन कौन से सकते हैं जैसे कि जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स फ़र्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि पानी के साथ मिलकर हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर हो जाते हैं अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो गाइस जब ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ से जो वाटर है वो तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड भी जाएगा हमारी वाटर बॉडीज़ में भी जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कोई भी डेडिकेटेड पॉइंट नहीं है जहाँ से रिसोर्सेज हमारी वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्सअप हो रहे हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्सेज एंड गाइस आपको याद रखना है कि इसकी एग्जांपल कौन सी है एक तो जो हमारा कम्युनिटी वेस्ट होता है एंड दूसरी हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड सो गाइस उसके बाद देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटन्स क्या क्या हैं मतलब जो वाटर पोल्यूट हो रहा है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं तो पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वाटर पोल्यूट कहाँ कहाँ का हो सकता है वो सर्फिस वाटर भी हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है सर्फेस वाटर में क्या कुछ आता है लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स सीज एंड ओशियन सब कुछ आ जाता है जो कि बेसिकली हमें दिखाई दे रहा है अर्थ के सर्फिस पर लेकिन गाइज एक वाटर बॉडी हमारे सर्फेस के नीचे भी है जिसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोल देते हैं तो पोल्यूटेंट्स बेसिकली कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं एक तो हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मेराइन वाटर बॉडीज़ में मतलब सीज़ एंड ओशंस में तीसरी चीज़ कहाँ पर हो सकते हैं अंडरग्राउंड सो गाइज इससे हमें क्या पता चला कि वाटर पोल्यूशन तीन जगह पर हो सकता है फ्रेश वाटर बॉडीज़ में उसके बाद सॉल्ट वाटर बॉडीज़ में एंड तीसरा अंडरग्राउंड सो गाइज़ कहाँ कहाँ से जो ये वेस्ट वाटर है ये हमारे वाटर uh, बॉडीज में आकर मिलता है तो पहला तो है जो हमारा कम्युनिटी वेस्ट होता है मतलब जो भी वेस्ट वाटर हमारे घरों से रिलीज़ होता है जो भी हमारे घर के आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से रिलीज़ होता है जो भी सीवेज वाटर होता है जो भी गाइस हम लोग घर पर साफ़ सफाई करते हैं वो भी पानी एटलीस्ट कहाँ पर जाकर मिल जाता है सीवेज में और वो सीवेज वाटर कहाँ पर चला जाता है वाटर बॉडीज़ में तो गाइस अगर इस सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट करके हम लोग वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करेंगे तो इसकी वजह से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे लेकिन अगर हम लोग सीवेज वाटर को एज इट इज़ वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देंगे तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उसके बाद गाइस क्या होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है जो भी हमारी क्रॉप लैंडस होते हैं वहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम गाइस यूज़ किया जाता है सो दैट क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं से अंडरग्राउंड वाटर में मिक्सअप हो जाता है या फिर वाटर बॉडीज़ में चला जाता है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं यहाँ से भी पानी रिलीज होता है कुछ पानी तो गाइस ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है जैसे कि जो हमारी माइनिंग की इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर हैवी मेटल्स होते हैं तो वहाँ से जो भी पानी रिलीज़ होगा उसमें भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे एंड मैंने आपको बताया था कि जो हैवी मेटल्स होते हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर सो गाइस होगा क्या कि जो भी इंडस्ट्री से वाटर रिलीज हो रहा है इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि जो भी वेस्ट वाटर है वो एट लास्ट कहाँ पर आकर ख़त्म होगा हमारी वाटर बॉडीज पे और वो सारी की सारी वाटर बॉडीज़ उस गंदे पानी को कहाँ पर रिलीज़ कर देंगी सीज एंड ओशियंस में इसीलिए लिए जो सीज एंड ओशियंस होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है एंड आपको पता होगा कि जो सीज एंड ओशियंस होते हैं दे आर द लार्जेस्ट सिंक ऑफ द वेस्ट वाटर गाइस चाहे सॉलिड वेस्ट है चाहे लिक्विड लेकिन वो एट लास्ट कहाँ पर जाता है सीज एंड ओशियंस में सो so गाइस उसके बाद और कहाँ से आ सकता है हमारे थर्मल पावर स्टेशंस में जहाँ पर जो पानी है वो किस लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी स्टीम बना दी जाती है कोल को बर्न करके जिसकी वजह से टर्बाइंस मूव की जाती हैं क्योंकि उस वाटर की स्टीम बन जाती है जिसकी वजह से एनर्जी मिल जाती है सो so गाइस अगर इस गर्म पानी को हमारी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा जो डिजॉल्ट ऑक्सीजन है हमारी वाटर बॉडीज़ में वो बेसिकली डिक्रीज़ हो जाएगी एंड आपको पता होगा जो भी हमारे uh, बेसिकली इको सिस्टम होता है जो कि वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है वाटर में जो मिक्सअप होती है लेकिन अगर वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है एंड गाइस अगर जो भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी हो जाएगी डेथ जिसकी वजह से क्या होगा मेराइन पोल्यूशन हो जाएगा सो so गाइस होता क्या है कि वाटर पोल्यूशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है पहले तो हमने देखा कि कैसे कैसे पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं बायोलॉजिकल हो सकते हैं रेडियो एक्टिव हो सकते हैं या फिर गर्म पानी हो सकता है उसके बाद हमने दो तरह के सोर्सेज के बारे में बात की पॉइंट सोर्स एंड द नॉन पॉइंट सोर्स उसके बाद का इस हमने देखा कि कौन कौन से सोर्सेज़ हैं वाटर पोल्यूशन के तो इसमें हमने देखा कम्युनिटी से आ सकता है इंडस्ट्री से आ सकता है एग्रीकल्चर लैंड से आ सकता है थर्मल पावर स्टेशन से आ सकता है सो so गाइज जो भी यहाँ पर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंस हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बात करने वाले हैं सो गाइज इफ़ यू इंजॉयड माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच